क्राइम की कहानियां अच्छी लगती हैं तो द क्राइम शो अभी सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस। प्यार एक अजीब चीज होती है, जितना सुकून देती है कभी कभी उतना ही दर्द भी। लेकिन कोई इंसान जिससे प्यार करता है वो उसकी जान कैसे ले सकता है? आज क्राइम शो पर जिस केस की कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसने दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। साल 2018, करीब 24-25 साल की श्रद्धा नाम की एक लड़की मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी मुलाकात उसी कॉल सेंटर में 27 साल के आफ्ताब नाम के लड़के से हुई। श्रद्धा के माता पिता 2016 से ही अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई अपनी मां के साथ रहते थे और पिता उनसे अलग रहते थे। घर के इन्हीं हालात के चलते श्रद्धा इमोशनली बहुत परेशान रहा करती थी। आफ्ताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा को बड़े टाइम बाद खुशी महसूस हुई थी और आफ्ताब भी उसे हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश करता रहता था। वो धीरे धीरे आफ्ताब के करीब आने लगी थी और कुछ ही टाइम में दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया। रिलेशनशिप के एक साल के अंदर अंदर ही दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। साल 2019 से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में ही किराए पर एक कमरा ले लिया था। पर श्रद्धा के पेरेंट्स आफ्ताब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आफ्ताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू, इसलिए श्रद्धा के दोनों ही पेरेंट्स उसके आफ्ताब के साथ रहने के डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। मगर श्रद्धा जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी मां को यह तक कह दिया कि वो अपने परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और अब उसके लिए आफ्ताब ही सब कुछ है। इसके बाद श्रद्धा ने अपने घर को पूरी तरह से छोड़ दिया और वो आफ्ताब के साथ रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स बेहद परेशान रहने लगे थे। श्रद्धा ना ही उनसे मिलती जुलती और ना ही उनका फोन उठाती। अपनी बेटी की खोज खबर वो उसके व्हाट्सएप या सोशल मीडिया स्टेटस से लिया करते थे। ऐसा चलते चलते अब एक साल बीत गया था और श्रद्धा की मां अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। कुछ ही समय में टेंशन की वजह से श्रद्धा की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर श्रद्धा अपनी मां को आखिरी बार देखने के लिए पहुंची और वहीं वो अपने पापा से भी मिली। अपनी मां को खोने के बाद श्रद्धा को बुरा लगने लगा था और इसीलिए उसने अपने पिता से फोन पर बात करना वापस शुरू कर दिया था। एक दिन कॉल पर श्रद्धा ने अपने पापा को बताया कि आफ्ताब उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और कभी कभी वो श्रद्धा को खूब मारता पीटता है। ये सुनकर श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा को घर बुला लिया। श्रद्धा भी आफ्ताब का ऐसा बिहेवियर देखकर चुप नहीं बैठी और वो वापस अपने घर चली आई। लेकिन फिर आफ्ताब ने अपने अजीब बिहेवियर के लिए श्रद्धा से माफी मांगी और श्रद्धा ने उसे माफ करके सब कुछ भूल जाना ही ठीक समझा। वो वापस आफ्ताब के साथ जाकर रहने लगी। दोनों ने जल्द ही डिसाइड कर लिया कि वो मुंबई छोड़कर कहीं और रहेंगे। करीब एक महीने तक वो हिमाचल की कई जगहों पर घूमते रहे और 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली आकर छतरपुर में बस गए। दिल्ली शिफ्ट होने के कई महीनों तक श्रद्धा अपने पिता से टच में सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू ही थी। उसने वापस से अपने घर पर कॉल करना बंद कर दिया था और जब कभी उसके पापा उसे कॉल करते तो या तो वो फोन नहीं उठाती थी या फिर कॉल काट कर मैसेज कर देती थी कि वो बिजी है। धीरे धीरे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी श्रद्धा की अपडेट्स आनी बंद हो गई। श्रद्धा के पिता को ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। उन्होंने आफ्ताब को भी कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर उसका फोन अक्सर स्विच ऑफ होता, इसलिए आखिर में श्रद्धा के पिता ने पुलिस का सहारा लेना ही सही समझा। वो पुलिस के पास अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर चले गए और इसके बाद वो श्रद्धा को ढूंढते हुए मुंबई से दिल्ली चले गए। श्रद्धा का केस भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। श्रद्धा के पापा ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा बहुत वक्त से आफ्ताब से शादी करने की बात कर रही थी मगर आफ्ताब उससे शादी करने को राजी नहीं था। श्रद्धा के पापा को शक था
कि आफताब सिर्फ उनकी बेटी का फायदा उठाना चाहता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि श्रद्धा काफी समय से मिसिंग है। आसपास के लोगों ने बताया कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद से ही आफताब अकेला घर पर रहा करता है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि श्रद्धा जैसी दिखने वाली एक लड़की शुरू शुरू में घर में रहती थी, लेकिन वो काफी समय से आफताब के घर में नहीं आई है, बल्कि कई बार अलग अलग लड़कियां उस घर में आती रही हैं और रात रात भर आफताब के घर में ही रही हैं। ये सब बातें सुनकर पुलिस का आफताब पर शक काफी बढ़ गया था। एक दिन पुलिस ने आफताब को अरेस्ट कर लिया और फिर इस पूरी कहानी की कड़ी खुलने लगी। पुलिस ने जब आफताब के घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके फ्रिज से अजीब से मीट के टुकड़े मिले। टेस्ट करने पर पता लगा कि वो सारे टुकड़े ह्यूमन फ्लैश के हैं, मतलब किसी इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। पुलिस ने छतरपुर के आसपास के सारे एरिया में स्नाइफर डॉग्स के थ्रू जब छानबीन की तो उन्हें पास के एक जंगल से उसी ह्यूमन मीट के और पीसेस मिले। जब आफताब से इस बारे में पूछताछ की गई तब उसने पुलिस को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। उसने कहा कि दिल्ली में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही उसने श्रद्धा का गला घोटकर उसे मार दिया था। मगर दिक्कत की बात यह थी कि दिल्ली में आफताब के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएगा। इसके बाद आफताब मार्केट गया और वहां से एक भारी डस्टबिन बैग्स और ढेर सारे रूम फ्रेशनर्स ले आया। उसने श्रद्धा की डेड बॉडी को 35 टुकड़ों में काट दिया और डस्टबिन बैग्स में अलग अलग भरकर अपने नए खरीदे हुए फ्रिज में भर दिया। इसके बाद वो रोज रात में खाने के बाद वॉक पर निकलता और छतरपुर के जंगल में एक एक बॉडी का टुकड़ा फेंकाता। इस केस से हैरानी वाली बात यह निकल कर आई कि आफताब के लिए यह सब बहुत नॉर्मल हो चुका था। वो श्रद्धा को मारने के कुछ ही दिनों बाद ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक डेट पर भी गया था। वो उस लड़की को कई बार अपने फ्लैट भी ला चुका था और जबकि श्रद्धा का कटा हुआ शरीर उसके फ्रिज में रखा रहता था। आफताब ने अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब वापस से शुरू कर दी थी और वहां उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वो उसे भी अपने फ्लैट पर लाया करता था। आफताब ने पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि उसके और श्रद्धा के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी और एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि आफताब ने धक्का देकर श्रद्धा को गिरा दिया और फिर उसके ऊपर बैठ गया और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। देखते ही देखते श्रद्धा की जान निकल गई और उसकी मौत हो गई। ये सब बातें आफताब ने खुद पुलिस को बता दी और बयान देते वक्त आफताब पुलिस के सामने पूरी अकड़ में बार बार इंग्लिश में कहता रहा, यस आई किल्ड हर। एक गलत इंसान से प्यार करने की वजह से श्रद्धा आज इस दुनिया में नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और हर हफ्ते एक थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द क्राइम शो।